Hello, welcome back to Bomb Dinery and Mixtapes. I hope you guys are doing well and good. So guess where am I right now? I am in this beautiful place called Mechuca. So come join and explore with me. We started our journey from Pasighat, and Alo from Pasighat is 105 kilometers away, and it takes you around 4 to 5 hours to reach there. और आप अगर मेचुका जा रहे हो तो यू हैव टू रीच आलो बाय हुक और क्रुक। वी रीच्ड आलो अराउंड 2:44 PM एंड वी स्टेड एट होटल आलो। होटल आलो फॉर मी वॉज गुड। यहाँ का रूम अच्छा था, साफ था, खाना पीना भी टेस्टी था। आई एंजॉयड स्टेइंग हियर एंड अदर डिटेल्स आर इन माई डिस्क्रिप्शन बिलो। We woke up early, had something and got ready. We left Alo around 5:30 AM and Mechuca from Alo is 186 kilometers away. It takes you around 7 hours to reach there. टाउन पे एंटर करते ही आपको मार्केट दिख जाएगा और थोड़ा आगे जाने पर एक इंटरसेक्शन रहेगा, उसी के पास एक SBI का ATM, बैंक और एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा एंड बेसिकली यही पूरा मार्केट एरिया रहता है। यू विल नोटिस अ ड्रास्टिक चेंज इन आर्किटेक्चर हियर। मैक्सिमम हाउसेस यहाँ पाइन वुड से बना रहता है एंड दे आर रियली प्रीटी। मेचुका पे प्राइमरीली मेंबा पीपल रहते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो लोग एंड वहाँ पे अदर कम्युनिटीज भी है जो दोनी पोलो एंड क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, आपके पास दो सिम होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ एयरटेल फॉर आलो, क्योंकि मैंने जितना देखा है आलो पे एयरटेल का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड सेकेंड वन इज़ BSNL फॉर मेचुका, वो भी बस कॉल एंड टेक्स्ट के लिए। देर इज़ नो डाटा अवेलेबल एंड बाकी सिम बिल्कुल काम नहीं करता। सेकेंड, नेसेसरी थिंग्स लाइक वार्म क्लोथ्स, फ्लास्क, स्लीपर जो कि मैं भूल गई थी, ये सब अपने पास लेकर जाइएगा बिकॉज वहाँ पे चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव है। थर्ड इज़, एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर देयर आर नो बसेस और शेयर्ड व्हीकल्स विद इन मेचुका। सो अगर आपको मेचुका के अंदर घूमना है देन इट वुड बी बेटर आप अपना व्हीकल लेकर आए या फिर आपको वॉक करना पड़ेगा। एंड देन सम कैश एंड पेट्रोल। कैश बिकॉज वहाँ पे एक ही ATM है एंड देन सिंस देर इज़ नो डाटा अवेलेबल आप गूगल पे वगैरह नहीं कर सकते हो एंड पेट्रोल पम्प भी जितना मैंने देखा है वहाँ पे एक ही रहता है। वहाँ उस पहाड़ पे बहुत बड़ा से मेचुका करके लिखा हुआ रहता था, जस्ट लाइक हॉलीवुड साइन, बट नाउ इट गॉट फेरेट। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेनांग होम स्टे। होमस्टे के रूम्स पे आपको हीटर वगैरह नहीं मिलेगा एंड ओढ़ने के लिए भी बस एक ही क्विल्ट रहता है, सो मेरे लिए बहुत ठंडा रहा। नहाने के लिए गर्म पानी अवेलेबल है, इवन दो गीजर नहीं है बाथरूम पे, वहाँ के लोग आपको गर्म पानी बनाकर दे देंगे। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड नेनांग होमस्टे, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक होम देयर।
सो अगर आप कभी भी मिचुका आते हो, यू कैन स्टे एट नेनांग होमस्टे। एंड रही बात फूड्स की, इट वॉज रियली टेस्टी। यू जस्ट हैव टू टेल देम इन एडवांस कि आप क्या लेने वाले हो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, एंड दे विल प्रिपेयर इट फॉर यू। मिचुका पे जो भी प्लेसेस जो आप विजिट करने जा रहे हैं, जहाँ भी आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ का डायरेक्शन पता करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर जगह अराउंड 20 किलोमीटर्स का अंदर ही है और वहाँ का लोकल आदमी लोग से भी पूछ के आराम से पता कर सकते हैं। इट्स लाइक यहाँ दो डिफरेंट दुनिया है। इस तरफ ड्राई टॉर्न बुशेस वगैरह, एंड ऑन द अदर साइड मच ग्रीनरी एंड माउंटेन्स केप्ड विद स्नो। यू विल सी अ बिग इंडियन आर्मी प्रेजेंस हियर। अ बिग सैल्यूट टू देम फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। वो दो लोग इंडियन सोल्जर है, काइंड एंड जेंटल था। तपस्थान के बारे में भी डिटेल्स में बताया। इट इज सेड दैट 400 इयर्स अगो व्हेन गुरु नानक जी वाज ऑन हिज वे टू तिब्बत थ्रू मेचुका, ही मेडिटेटेड ऑन टू स्पॉट्स। एक है गुरुद्वारा जो तपस्थान के ऑपोजिट पे है, हम वहाँ नहीं गए, बट आई सजेस्ट यू टू गो एंड सी। एंड द अदर वन इज दिस तपस्थान इटसेल्फ। सो बोथ गुरुद्वारा एंड तपस्थान आर टेकन केयर बाय Indian Army. So Tapasthan has an interesting story. It is believed while Guru Nanak Ji and his disciples were meditating, a wild bear attacked them. A boulder lifted to save Guru Nanak, and today the impression of Guru Nanak's face and turban can be seen on the huge boulder. And this is that impression. They told us that military unit of this regiment constructed Tapasthan. And then we took the legendary passing through the crack test. It is said that sinners get stuck between the splitter rock and cannot pass through to go to the other side. Time to check. वन मोर टेस्ट। आप व्हाइट स्टोन निकालते हो तो आपका दिल प्योर है, इफ़ इट्स ब्लैक देन आप खराब हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है देन इट्स न्यूट्रल। हनुमान कैंप तपस्थान से आई थिंक अराउंड 5 to 6 किलोमीटर की दूरी पे था। यहाँ पे आपको एक हनुमान का छोटा सा श्राइन मिलेगा, जिसे आर्मी लोगों ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। एंड देन उसी के पास पे जो माउंटेन है, वहाँ पे यू विल फाइंड नेचुरली कर्व्ड इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान्स फेस। And then we went to Samten Yangchak Monastery, which is 400 years old, way older than revered Tawang Monastery. It sits perched on hilltop 15 kilometers away from Mechuka town.
ये धर्मशाला से आया हो ना। ओ अच्छा, कंजूर कंजूर। अच्छा इसमें क्या होता है? ओ दाले लामा का हाँ, ये भी तीन साल दो साल का बाद में पूरा सब एक दिन गुरकी आता है, ये सब लेकर के हम लोग मैं बाप लोग। अच्छा सब एक एक फूक के एक दिन का ऐसे गुरकी ये गोंपा में आ जाएगा। कहाँ कहाँ से घूमते? पूरा मैं चुका पूरा मैं चुका। अच्छा हाँ पूरा मैं चुका घूम के लामा लोग पूरा मंदिर में आके पूजा करने का टाइम में डांस करता है, ये माथा में पिंकी डांस डांस करता है। कब होता है वो फेस्टिवल? साल को होते है, साल को, साल में एक बार। एक बार नहीं बहुत करते है। फेस्टिवल का नाम लोसा, एक लोसा हम लोग का पूजा बड़ा वाला टेंद बढ़ता है टेंद। ओ अच्छा डुब टेंद, डुब टेंद इतना बड़ा लामा आके पूजा करके इतना तीन दिन तक पूजा करते है। अच्छा लोसा में तीन दिन तक पूजा करते है लोसा में ना, तीन दिन। अच्छा हम लोग का लोसा। हाँ आप लोग जैसे फेस्टिवल को। हाँ थैंक यू। It was all about hiking on our second day. हम लोग अपना साथ चिप्स जूस वगैरह लेकर आया था, बट आई थिंक इट वुड बी मच बेटर अगर हम लोग थोड़ा सा वार्म फूड चाय और कार्ड्स लेकर आता। When you reach on the top of this mountain, it gives you a bird's eye view of Michuka town below. यहाँ से भी टाउन का व्यू बहुत अच्छा से दिख जाता है। ये मोनेस्ट्री वो दार्जिलिंग वाला जो माउंटेन था जहाँ पे हम लोग हाइकिंग करने गया था उसका ऑपोजिट साइड पे है। मिचुका पे आके आपको दो चीज़ तो पीना ही है, एक है बटर टी एंड दूसरा है मिलेट बियर।
ये 2 दिनों में हम लोग बहुत सारा रेस्टोरेंट्स में लंच किया, उसमें से सबसे अच्छा यहाँ मिलता था। ये सब रेस्टोरेंट्स में आपको चाउमीन, मोमो, थुप्पा वगैरह डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर मील जैसे कि राइस दाल वाला, उसको आप एडवांस में बोल के रखना पड़ता है। यहाँ 4 या फिर 4:30 PM तक पूरा मार्केट बंद हो जाता है ड्यू टू कोरोना वायरस, और पुलिस वगैरह पूरा पेट्रोलिंग करता है एंड बंद करवा देता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई हम लोग फर्स्ट डे में गुरुद्वारा विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग को जल्दी आना था और 4 बजे से पहले आकर लंच करना था। वी लेफ्ट मेचुका और हम लोग सीधा बासार के लिए निकला। बासार में हम लोग न्यूबर का घर में रहा था, उससे पहले हम लोग कोरोना का टेस्ट करवाया था एंड गेस व्हाट, सबका नेगेटिव निकला। आलो में ये वाला रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छा मोमो वगैरह मिल जाता है, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस। दिस एक्सपीरियंस गेव मी अ फीलिंग व्हेन यू नो यू हैवन्ट बीन टू दैट प्लेस बट यू फील लाइक यू बिलोंग देयर।